हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सैनवांग FF शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जियांगशेन जो था ना, वो लैंसेचेन की कार को ना, मतलब उसके कार के ऊपर ना पत्थर मार दिया था बड़ा सा, और ना वहाँ से चला गया था। और हमारे सिचेन जो है ना, वो बहुत बोल रहे थे कि वो कहाँ गया, वो पर्सन कहाँ गया, वो अल्फा कहाँ गया, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी कार की क्या हालत कर दी है, वो ऐसा बोल रहे थे। और ना जो उनके साथ बॉडीगार्ड था ना, वो कहता है कि सर चलिए घर चलते हैं और रात भी होने वाली है, और उसका पता लगाने के लिए आप बोल देना, ऐसा सब बोलता है। तो सिचेन ना गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और ऐसे बोल रहे थे। तो वो बॉडीगार्ड ना चुप हो जाता है। फिर सिचेन ना कार में बैठते हैं और ना वो घर आ जाते हैं, और वो बहुत गुस्से में थे। और सिचेन जो है ना, वो पुलिस को कॉल कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरा कार का एक नुकसान कर दिया एक पर्सन ने, ये हुआ वो हुआ, मतलब वो पैसे वाले थे ना, तो वो ऐसा सब बोलते हैं और कहते हैं कि कल के कल मुझे वो पर्सन चाहिए, वो कहाँ है, कौन है, कहाँ रहता है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। तो पुलिस वाले भी हाँ कह देते हैं, क्योंकि वो भी घबरा गए थे, क्योंकि वो बहुत रिच पर्सन थे और मतलब उनका ना बहुत मतलब रिच लोगों से और बहुत ऐसे पुलिस वालों से मतलब अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो मतलब बड़े ऑफिसर से। तो पुलिस वाले ना डर गए थे कि हमें ऊपर से प्रेशर आया तो क्या करेंगे, तो इसी वजह से ना वो लोग हाँ कह देते हैं। और सारे पुलिस वाले लग जाते हैं हमारे जियांगशेन को ढूंढने में, और ना ऐसे करते करते तो पूरी रात बीत जाती है। और सुबह ना सिचेन को ना मतलब जियांगशेन का इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो मतलब यहाँ रहता है और वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, और ऐसा है वैसा है सब बताया जाता है उसे, मतलब लैंसेचेन को। और हमारे जो सिचेन का है ना, वो जियांगशेन के घर पहुँच जाते हैं। और तब तक ना हमारा लैंसेन और विंग दोनों कॉलेज चले गए थे। और इधर मतलब दिखाया जाता है कि हमारा जियांगशेन आकर ना डोर ओपन करता है, और वहाँ पर उसके मम्मी पापा नहीं थे, वो लोग काम करने गए थे क्योंकि जॉब करते थे दोनों। तो वहाँ पर सिचेन को देखकर ना जियांगशेन मतलब हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर, बोलता है। तो ना हमारे सिचेन जो है ना, वो ना पुलिस वाले को लेकर आए थे, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पुलिस वाले के हवाले कर दूंगा, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें ना पुलिस वालों के हवाले कर दूंगा, ऐसा सब बोलते हैं और जियांगशेन को धमकाते हैं। तो हमारा जियांगशेन तो कहता है कि तुम मुझे धमका रहे हो, मेरे घर में आकर, बोलता है जियांगशेन, और कहता है कि मैं तुम्हारी किसी भी बात से नहीं डरता, किसी भी धमकी से नहीं डरता, ऐसा सब बोलता है जियांगशेन। तो सिचेन कहते हैं कि तुम अच्छा मेरी किसी भी पास से नहीं डरते हो ना, तो तुम्हारा भाई जो कॉलेज गया है उसका अगर मैंने किडनैप करवा लिया तो, और तुम्हारे मम्मी पापा जो हैं ना, मैंने उनका जॉब छुड़वा दिया तो तुम लोग कैसे रहोगे, पैसे कैसे कमाओगे, जियांगशेन बोलता है, मतलब ऐसा कहते हैं सिचेन। तो ये सुनकर ना हमारे जियांगशेन जो है ना, वो ना मन में सोच रहा था कि किससे पाला पड़ गया यार, अब मतलब ये मेरे को पहचानता नहीं है, नहीं तो मैं इसकी ना बैंड बजा के रख देता, ये ओमेगा ना बहुत उछल रहा है, ऐसा सब सोच रहा था। और ना जियांगशेन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तो सिचेन कहते हैं कि तुम ना अब से मेरे यहाँ काम करोगे मेरे बॉडीगार्ड बनके, और मैं जहाँ कहूँगा तुम मेरे साथ जाओगे, जब कहूँगा तब जाओगे, और तुम ना मेरे ही घर में रहोगे, और मैं तुम्हें कभी भी काम पर बुला सकता हूँ, कुछ भी करवा सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे मना नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हें तो जेल में भेज दूँगा, ऐसा बोलते हैं। तो जियांगशेन ना हाँ कहता है, और ना हमारा जियांगशेन ना अपने मम्मी पापा को कॉल करता है और कहता है कि मुझे जॉब मिल गई है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे रहकर काम करना पड़ेगा, ऐसा मतलब बता देता है झूठ मूठ का बना के कुछ भी। और हमारे सिचेन के साथ ना हमारा जियांगशेन आता है वहाँ पर,
और हमारे सिचेन का के मन में ना क्या चल रहा था पता नहीं, वो उसको बदला लेने के लिए लाए थे या फिर क्या हुआ था उनको खुद ही ने नहीं पता है। उन्होंने एक ही रात में मतलब उस पर्सन को ढूंढ लिया, उसको सजा देने की जगह खुद के साथ रख लिया और कह रहे हैं कि तुम्हें सजा दूंगा, लेकिन खुद के साथ रख के क्या सजा देंगे पता नहीं। और ऐसा सब चल रहा था। और दूसरी तरफ ना कॉलेज की तरफ दिखाया जाता है, तो आज भी ना हमारा विंग आकर ना लैंसन के पास बैठ गया था, तो लैंसन आज भी बात नहीं कर रहा था। तो विंग बोले जा रहा था कि तुम मेरे साथ बात नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो, तुम्हारा नाम लैंसन है ना, तुम चुपचाप क्यों रहते हो, तुम मेरे साथ घूमने क्यों नहीं जाते, मेरे साथ कॉफ़ी पीने क्यों नहीं जाते। वो ना बोले ही जा रहा था, बोले ही जा रहा था। तो लहसैन को ना मतलब अच्छा लग रहा था कि कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे लहसैन से ना कोई बात नहीं करता था। और वो लोग ना मतलब लंच करने के लिए कैंटीन में आते हैं, मतलब लहसैन आ रहा था तो उसके पीछे पीछे विंग भी आ गया था। और वो कॉलेज ना मतलब ऐसे रिच फैमिली वाले ही मतलब पढ़ते थे वहाँ पर बच्चे उनके। और हमारे विंग को ना ऐसे स्कॉलरशिप मिली हुई थी कि वो वहाँ पर पढ़ सकता है करके, और ऐसा था सब। तो वो हमारा लैंसन सोच रहा था कि ये पर्सन यहाँ पर कैसे आ गया, ऐसा सोच रहा था। तो हमारा विंग ना कहता है कि तुम मेरे बारे में ही सोच रहे हो ना, और मैं ना यहाँ पर स्कॉलरशिप लेकर आया हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ाई करने आया हूँ, और मैं ना मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, और मैं ज़्यादा रिच नहीं हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सब बताया जा रहा था। और ना वो कह रहा था कि मुझे ना तुमसे बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करते हो, मुझे ना अच्छा नहीं लगता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ऐसा सब बोले जा रहा था। और हमारा लैंसन कहता है कि चुप रहो, खाते समय कौन बात करता है, बोलता है। और यही बात ना हमारा विंग सुनकर ना हैरान हो जाता है कि लहसन कुछ तो बोला। और आज ना हमारा विंग जो है ना वो लहसन के पीछे पीछे जा रहा था, उन लोगों ने खाना खाया फिर क्लासेस लिए, और उसके बाद ना हमारा लहसन ना अपनी कार की तरफ आ रहा था तो विंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तो हमारा लहसन कहता है कि तुम मरोगे, मेरे पीछे मत आओ, बोल रहा था। तो हमारा विंग कह रहा था कि मुझे मरने की फिक्र नहीं है, बोल रहा था। कल तुमने बोला तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं चला गया, लेकिन आज तो तुम्हारे पीछे ही जाऊंगा, बोलता है। और ना कार तक उसके साथ ही जाता है, और उसके बॉडीगार्ड्स ना इसको ना घूर कर देख रहे थे। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि तुम लोग ना अंकल से और भाई से कुछ नहीं बोलोगे कि ये मेरे साथ था। तो हमारे जो मतलब बॉडीगार्ड्स थे ना वो लोग हाँ कहते हैं, और हमारा जो विंग है ना वहाँ से चला जाता है, क्योंकि लैंसन उसे भगा देता है, तुम यहाँ से जाओ, मेरे बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें देख लिया है, मेरे भाई और अंकल को पता लगाना, तो तुम्हारा ना क्या होगा मुझे नहीं पता है, और तुम्हारे साथ कुछ जो कुछ भी हो मेरा कोई गलती नहीं होगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ऐसा सब बोल रहा था। तो ना हमारा विंग कहता है मतलब मन में सोचता है कि ये कैसी हालत हो गई है यार, ये मेरे को पहचानता नहीं है, मेरे को जानता नहीं है, सिर्फ मैंने मतलब मेरे बारे में जितना बताया उतना ही जानता है। और विंग ना मन में सोच रहा था कि मुझे किसी से डरने की ज़रूरत है क्या, ऐसा सोच रहा था। और ना एक डेविल सा स्माइल करता है और वो वहाँ से जा रहा था। और हमारे लैंसन भी ना मतलब कार में बैठ गया था, और ना हमें कल दिखाया जाएगा कि आगे इन लोगों के साथ क्या होता है, और सिचनगा जंक्शन को कैसे तंग करेंगे या फिर परेशान करेंगे, और हमारा विहिंग जो है वो लैंसन को कैसे मनाएगा, मतलब उसको कैसे अपने प्यार का इजहार करेगा या फिर क्या करेगा। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ना स्माइली या फिर हार्ट कमेंट कर देना। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि आप ट्विंस वाला ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आओ, तो मैंने ना मतलब ये स्टोरी ना पहले से ही सोच कर रखी थी, तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। और मैं नेक्स्ट टाइम ना मतलब सियानवांग एफएफ जो है ट्विंस वाला लाने की कोशिश करूँगी। और ओके बाय।